सरकार आगामी 15 मई को नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति की घोषणा करेगी। 13 साल बाद यह नीति आएगी। दिल्ली में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने बताया कि इस नीति में सफाई, सुरक्षा और मेहमान नवाजी का खास ख्याल रखा जाएगा। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही नई पर्यटन नीति लाने वाली है। सफाई, सुरक्षा और मेहमान नवाजी का खास ख्याल रखते हुए सरकार की कोशिश है कि आने वाले दिनों में भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा किया जा सके। हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री के जो तीन स्ट्रेंथ्स हैं, सफाई, क्लीनलीनेस, सुरक्षा और मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस नीतियों के तहत इस नई टूरिज्म पॉलिसी की आधारशिला रखी जा चुकी है और इस पर विचार विमर्श जारी है। और मैं समझता हूं कि आने वाले 15 मई को ये पर्यटन नीति देश के और विश्व के सामने होगी, जो इन तीनों विषयों पर एड्रेस करेगी। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन सचिव डॉक्टर ललित के पवार ने उम्मीद जताई कि आने वाले 3 सालों में दुनिया के पर्यटन व्यवसाय में भारत की भागीदारी 2 गुना हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले साल शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन यानी ऑनलाइन वीजा योजना को बेहतरीन सफलता मिली है और पिछले 4.5 महीनों में 1 लाख से ज्यादा वीजा दिए जा चुके हैं। ये योजना 27 नवंबर को माननीय गृह मंत्री जी ने दिल्ली के अशोक होटल में लॉन्च की, कन्वेंशन हॉल में, और पिछले 4.5 महीनों में 1 लाख से ज्यादा वीजा इश्यू हो चुके हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ वीजा अमेरिकन को, ऑस्ट्रेलियंस को, मलेशियंस को इनको इशू हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये योजना कितनी लोकप्रिय रही है। इसके अलावा दिल्ली में गुरुवार को एक खास अभियान की शुरुआत की गई। विजिट केरल 2015 नाम के अभियान के जरिए कोशिश की जाएगी कि घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आयुर्वेद और ऐतिहासिक स्पाइस रूट के साथ साथ केरल पर्यटन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जा सके। We are promoting every year, but this year special, we are introducing a special scheme for arrivals. We are giving a special package, tour package, and we are giving some discount tickets in airlines, some lines. सरकार की कोशिश है कि विदेशी पर्यटकों के अलावा वो देसी पर्यटक जो बैंकॉक, सिंगापुर या हांगकांग जाना पसंद करते हैं, उन्हें केरल जैसे खूबसूरत राज्य की तरफ मोड़ा जाए। राहुल गुप्ता, DD News, दिल्ली।